बस चलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अकेडमी अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं इसको, तो यार ऐसे ही नेक्स्ट रहेगा। ओके गाइस, स्टारले हैज बीन ऑपरेटिंग एज ए सोल ट्रेडर फॉर मेनी इयर्स विद द ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर। ये कैश बजट का सवाल है। ही इज प्रिपेयरिंग कैश बजट एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द 3 month पीरियड फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। द रिक्वायरमेंट उसने क्या क्या है, प्रिपेयर द कैश बजट फॉर ईच ऑफ द 3 months बिगिनिंग फ्रॉम जुलाई। जुलाई बिगिनिंग से आपने कैश बजट बनाना है 3 महीने का, यानी जुलाई अगस्त और सितंबर का कैश बजट उसने हमें क्वेश्चन में मांगा है। यानी कि आपने कैश बजट प्रिपेयर करना है जुलाई का। इसमें जुलाई जी, अगस्त का, और उन्हें बताना है किसका, सितंबर का। ठीक है जी, हम शुरू करते हैं इसको। सवाल भी हमारे सामने है और आप लोगों के सामने तो सवाल बिल्कुल ही सामने है, तो आप लोग मुझे सॉल्व करवा सकते हैं आसानी के साथ क्वेश्चन, तो आप लोग ही करवा जो दीजिएगा बुक सॉल्व। है कौन कितने सी बुक? की? वो A2 वाली? कौन गई है? हाँ नहीं, वैसे कस्टमर ढूंढा मैंने, जो भेजो, आपने बुक भेजो जी, नहीं आपकी बुक भेजी ना, ऐसे फोटो भी लाऊंगा। कितने भेज दो भेज दो। की आ जाता है वैसे? 1200 की दे दूंगा। 2000, 2500। ठीक है जी, देखते हैं जी। हम जुलाई अगस्त सितंबर का हमने कैश बजट बनाना है। सवाल हमारे सामने है, अब कैश बजट का क्वेश्चन है। इट जी टेल्स अस व्हाट इज कैश, द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस। जी बिल्कुल। इट टेल्स अस अबाउट द कैश शॉर्टेज एंड डेफिसिट एंड कैश एक्सेस अवेलेबल टू अस बजट का एट द एंड ऑफ द ईयर, बजट ईयर। तो देखिए, टोटल इनकम ऑफ 1,20,000 फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल फॉर क्रेडिट सेल्स विल बी कलेक्टेड इन इक्वल अमाउंट्स ओवर द 3 months पीरियड। कहता है कि टोटल इनकम जो है, जो कि 1,20,000 है, और वो अमाउंट किस चीज की है, क्रेडिट सेल की है, वो हमें 3 महीनों में इक्वल वसूल हो जाएगी। कितनी कितनी वसूल होगी, यानी इसका मतलब है 40,000। 40,000, 40,000, 40,000। कैश सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 25% ऑफ द कैश कलेक्टेड ईच मंथ। हर महीने जो आप कैश कलेक्ट करते हैं ना क्रेडिट सेल से, उसका 25% कैश सेल्स है। एंड देर विल बी नो ट्रेड रिसीवेबल एट 1 जुलाई। यानी आपके पास ब्रॉड डाउन बैलेंस कोई भी मौजूद सवाल में नहीं है। तो आप स्टार्ट ही करेंगे किससे? हमारा स्टार्ट होगा जी रसीट से। रसीट से हम स्टार्ट कर लेंगे जी। सबसे पहले इसमें क्या आ जाएंगे आपके जी, 40,000 कैश सेल्स। कैश सेल्स कितनी आएंगी जी? 40,000 नहीं आएंगी आपकी, 1,20,000 का वो कहता है कि आप 1,20,000 की क्रेडिट सेल है उसको, 10,000 आएंगी सर कैश सेल। आपकी हर साल की क्रेडिट सेल आएंगी जो मिलेंगी आपको, और हर साल क्रेडिट सेल जो आपको पैसे मिलेंगे क्रेडिट सेल से, हर महीने उसका हर महीने जो क्रेडिट सेल से पैसे मिलेंगे उसका, सॉरी कितने परसेंट है, उसका 25% जो है वो बेसिकली आपकी कैश सेल्स से पैसे रिसीव होंगे आपको। सर 10,000 कैश सेल्स हम लिख लेते हैं। हम जुलाई में कितनी है जानी, 10,000, बड़े सिंपल है। बड़े अगस्त में 10,000 और सितंबर में भी 10,000। अब आ जाते हैं क्रेडिट सेल्स, बल्कि यहां लिखना चाहिए कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, बल्कि वो लिखा ही ऊपर हुआ है रिसीट्स है, तो रिसीट्स का मतलब है कलेक्शन ही हो रही है भाई क्रेडिट सेल्स। कितनी आ जाएंगे आपकी, 40,000, और उधर भी आपकी आ जाएंगी 40,000, और इधर भी आपकी आ जाएंगी 40,000। यानी कि ये सवाल जो मैंने आपको एग्जांपल कराई है उससे भी ज्यादा आसान है, बहुत ही सिंपल था कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे क्या कहता है जी, टोटल क्रेडिट परचेजेस, ठीक है जी, ऑफ 75,000 विल बी पेड इन इक्वल अमाउंट्स ओवर द 3 months पीरियड।
यानी 25 हम परचेजेस का पे करते हैं, लेकिन कैश परचेजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी 20% ऑफ द कैश पेड ईच मंथ फॉर क्रेडिट परचेजेस, क्योंकि 25,000 का 5,000 बनेगा, दैट इज योर कैश परचेजेस एंड देर नो ट्रेड पेबल्स एट 1st July. उसके ट्रेड है नहीं, हमारा ट्रेड पेबल्स वैसे ऐसा ताल्लुक भी नहीं है. द बैंक बैलेंस ऑफ 1st July पेमेंट्स लिख के फिर नीचे शुरू करेंगे रिसीट्स, वो बताता हूँ मैं आगे. द बैंक बैलेंस ऑन 1st July दिए हुआ आपको 3500, वो एंड पे लिखूंगा मैं. आगे स्टार्ली रिसवाल पढ़ लेते हैं पूरा. स्टार्ली इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ बैंक लोन ऑफ 30,000 ऑन 1st August 2019. इंटरेस्ट विल बी पेबल मंथली इन एरियर्स एट 5% पर एनम. नो कैपिटल विल बी रीपेड अंटिल July 2020. इंटरेस्ट आपने पे करना है हर साल, एरियर्स में पे किया जाता है. एरियर्स का मतलब होता है इस महीने का कब पे करेंगे, अगले महीने. इन एरियर्स एट 5% पर एनम, अगले साल बल्कि, सॉरी. ठीक है जी. उसके बाद हमने न्यू मशीनरी लिया कॉस्टिंग 60,000 की. विल बी परचेज बाय चेक ऑन 15th August 2019. स्टारले पॉलिसी इज टू डेप्रिशिएट मशीनरी एट 25% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड. अ फुली डेप्रिशिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन. हमारा इसमें डेप्रिसिएशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है. क्यों? क्योंकि हम बना रहे हैं कैश बजट, डेप्रिसिएशन का कैश पर तो कोई इफेक्ट आता ही नहीं है, लिहाजा डेप्रिसिएशन से ताल्लुक है ही नहीं. सब पे दी क्यों, ये फंसाने के लिए. स्टारले रेंट पार्ट ऑफ द प्रीमिसेस, बिजनेस प्रीमिसेस. रेंट का मतलब है रेंट पे देता है, ऐसे मिलते हैं 600 पर एनम एंड रिसीव दिस रेंटल इनकम ऑन ए मंथली बेसिस. पर एनम 600 है लेकिन उसको 6,000 है शायद, लेकिन उसको मिलते हैं पैसे मंथली बेसिस पर. General expenses are paid in the month following that in which they are incurred. General expenses incurred in June amounted to 6,000 and these are expected to increase by 5% in July and a further 5% in August. Starley makes annual cash drawings of 15,000 in equal installments on 1st January and 1st July each year. So, मैंने ये सवाल सारा क्यों पढ़ा है? क्योंकि मुझे ये देखना था कि कहीं cash payment से पहले कुछ और कोई और चीज तो receipt नहीं हो रही थी. इसीलिए मैंने सवाल पूरा पढ़ा. और करें पॉइंट नंबर आपका जो है 6 और पॉइंट नंबर 8. पॉइंट नंबर 6 में अगस्त में आप बैंक लोन रिसीव कर रहे हैं 30,000 का मेरे भाई, तो वो लिखना पड़ेगा ना आपको बैंक लोन 30,000 का रिसीव कर रहे हैं. तो आप अगस्त में 30,000 का बैंक लोन आपको मिलेगा जो आपको बैंक अगस्त के महीने में कलेक्शन लिखनी पड़ेगी. अमाउंट आपको रिसीव हुई है तो आप लिखेंगे कि अमाउंट रिसीव हुई है. उसके अलावा आप जो है वो स्टारले कुछ हिस्सा बिजनेस प्रीमिसेस का रेंट पे देते हैं 6,000 पर एनम पे, और वो ये रेंट रिसीव करता है मंथली बेसिस में हर महीने 500 आ जाएगा तीनों. हर महीने 500 जो है रेंट भी रिसीव किया जा रहा है. आप यहाँ पे लिखेंगे इसका रेंट रिसीव्ड आ जाएगा आपका. और इधर भी 500 आ जाएगा, आगे भी आपका 500 आ जाएगा जो आप रिसीव कर रहे हैं, और उससे नेक्स्ट भी आपका 500 आ जाएगा जो आप रिसीव कर रहे हैं. नाउ इट इज द टोटल कलेक्शन वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. नाउ वी आर गोइंग टू टोटल इट फॉर द टोटल कलेक्शन, कि आपके पास कितनी टोटल कलेक्शन हो रही है. 55,000 इसका हम टोटल कर लेंगे और ये कितना कितना आता है कैलकुलेट कर लेते हैं. ये आता है जी 55,000. नहीं 55,000 कैसे 500 जी. और हमारा कितना आ जाएगा जी 80,500. और तीसरे का हमारा कितना आ जाएगा? सेम आ जाएगा सर. अब हम लिख लेते हैं जी हमारा नेक्स्ट आ जाएगा जी पेमेंट्स. सबसे पहले परचेजेस की बात करते हैं. सबसे पहले क्या आएंगी? कैश परचेजेस. वो क्रेडिट परचेजेस के कितने परसेंट है? 20%. और क्रेडिट परचेज हर महीने कितनी है? 25,000 की है. तो पहले कैश परचेजेस हम लिखेंगे रादर देन क्रेडिट परचेजेस. तरीका होता है ना, जैसे पहले हमने कैश सेल लिखी थी,
5000 आ गए जी, तो ये आपके आ जाएंगी 5000, इसकी अगले की भी 5000 और उस अगले की भी 5000। नेक्स्ट हम करेंगे जी क्रेडिट परचेज में से हमें कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं। उसने क्वेश्चन में बताया है कि इस 3 महीने के पीरियड की 25,000 आ रहा है और वो इक्वल अमाउंट से तीनों महीने में रिसीव हो रही हैं। सर जो बैंक लोन का इंटरेस्ट देंगे वो हमने सितंबर में देना है? वो नहीं देना है, गौर नहीं किया आपने जरा सवाल पे। वो कह रहे हैं इंटरेस्ट विल बी पेड मंथली इन एरियर्स एट 5% पर एनम। आप मंथली पे करते हैं, सही कह रहे हैं, मंथली है एरियर्स में, और अगस्त में नहीं है, सितंबर में पे करेंगे एक महीना। नहीं नहीं, सितंबर में एक महीने का पे करेंगे, वही कह रहा हूं सर। निकालें जी 30,000 का निकालें, 5% आएगा पूरे साल का, और उसका निकालें 1/12। हमने कैसे निकाला है 30,000 का 30,000 का 5% इनटू 1/12। तो वो तो 125 आ रहा है, ये करेंगे यार 125 आ रहा है, क्या हो गया आपको? सर गलती से 1/2 कर दिया। कोई बात नहीं, गलती तो हो जाती है। इवन आई कैन डू मिस्टेक। आई यूज्ड टू डू, यू आर परफेक्ट, यू कैन नॉट डू मिस्टेक। चलो इंटरेस्ट पेड हमने कर दिया जी, नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है जी आपका जी, हमने नई मशीनरी परचेज की है, कितने की? 60,000 की। इसकी पेमेंट हम कर रहे हैं 15 अगस्त को पे कर रहे हैं हम, सारी की सारी 15 अगस्त का मतलब अगस्त के महीने में हम पेमेंट कर रहे हैं इसकी। कितनी? 60,000 की। तो मशीनरी आ जाएगी जी, कितने के लिए? 60,000 की, अगस्त के महीने में इसकी पेमेंट कर रहे हैं हम, ये आ जाएगा 60,000। ओके हो गया जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, स्टार्ट ले रेंट पार्ट ऑफ द प्रीमिसेस फॉर 6,000 पर एनम। हां एंड सही, ये हो गया सर। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग, इसको बाद में देखता हूं, पहले नीचे आते हैं 10वें पॉइंट पे। पहले स्टार्ट ले मेक्स एनुअल कैश ड्राइंग्स ऑफ 15,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑन जनवरी एंड जुलाई। आधी आधी जुलाई में कितनी पे करेगा? मंथली नहीं, एनुअल 15,000 है, एक पे करता है जनवरी में, आधी आधी पे कब करता है? जुलाई में। तो कितनी आ जाएगी? अब ही आएगी 7,500 जो आप कह रहे थे ड्रॉइंग्स के नाम से। 625 नहीं आनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बताता हूँ देखें जी दोबारा कहते जी, स्टार्ले मेक्स एनुअल कैश ड्रॉइंग्स 15,000 पूरे साल की है, इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में वो पे करता है, एक इंस्टॉलमेंट पे करता है जनवरी में आधी, और आधी पे कब करता है? जुलाई में हर साल। अच्छा, जनवरी में आधी 7,500 और आधी पे करेगा जुलाई में 7,500। मंथली वाला चक्कर नहीं है इसमें। जनरल एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग दैट इन व्हिच दे आर इनकर्ड, जनरल एक्सपेंसेस आप पे करते हैं अगले महीने, एंड जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन जून अमाउंटेड टू 6,000 है। जून में कितने हैं? 6,000। जुलाई में हम कितने पे करेंगे? 6,000 का 5% निकालें, बढ़ गए ना 300, तो 6,300 पे करेंगे जुलाई में। 6,300 जी जी, और फिर आगे इसका 5% और इंक्रीज हो रहा है। हाँ जी, तो 6,300 हम पे करेंगे आगे, मजीद 5% इंक्रीज हो रहा है 6,300 में। तो वो कितना आ जाएगा? 6,615 वो हम पे करेंगे जी, 6,615। उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है, कि मजीद इंक्रीज भी हो रहा है 5% जुलाई एंड फर्दर 5% अगस्त।
उसका भी 5% आगे मजीद इंक्रीज हो रहा है, जो हम उसके ऊपर निकालेंगे उससे आगे भी हो रहा है, तो वो आ जाएगा 6946। एक सेकंड बोलता हूँ, सितंबर में फिर सेम रहेंगे, सही कह रहे हैं, सितंबर में 6615 ही रहेंगे क्योंकि उसमें इंक्रीज नहीं हो रहा, सितंबर में 5% सॉरी अगस्त में इंक्रीज हुआ 5%, जून में हुआ है, जुलाई के लिए जुलाई में हुआ है, और जुलाई में अगस्त के लिए, और अगस्त में सेम, अगस्त से सितंबर में सेम, अगस्त में सेम, सितंबर में सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं आना। आई थिंक ग्रेस बोल ऑन मार्किंग टोटल कर लेंगे भी इसका फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स हैव यू नॉट गॉट अ थिंग फ्रॉम गेटिंग बेटर डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह। इसका टोटल कर लेते हैं जी हम, कितना आ जाएगा बताएं, 30,000 45,000 यार ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, 51,300 जगह बच नहीं रही ना सर, कैसे करूंगा उसको, 51,300 है इसका, 30,90,96 प्लस 36,740 ये पेमेंट्स आप माइनस कर देंगे जो रिसीट्स आपके ऊपर लिखी हुई है, तो आपके पास ऊपर वाले तो ये माइनस में चले जाएंगे, आपके पास नेट कैश बैलेंस आ जाएगा, ये माइनस में भी आ रहा है, माइनस में कोई मसला नहीं, इसमें आप ऐड कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द स्टार्ट, मेरे पास जगह थोड़ी है, हाँ ऐड करना है, ठीक है जी, तो आप इसको माइनस कर दें आप, तो बताएं नेट कैश बैलेंस कितना आ रहा है सर, वो कहां पे करना है ऐड, आप जो 50,500 में से माइनस करना है ना, 51,367 आ जाएगा सर जून का, जुलाई का, फिर आ जाएगा माइनस में 16,115 इसका भी माइनस में अगस्त जाएगा, इसका माइनस में आ रहा है 16,000 हां सही कह रहे, नहीं 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 बेटा सही कह रहा है, मैं बताता हूं सबर ये नेट कैश बैलेंस आ गया ना इसका आपका, इसमें ऐड करेंगे कैश, कैश एट द स्टार्ट, कैश एट द स्टार्ट यानी जुलाई के स्टार्ट में, तो कैश नीचे जो जाना है, नीचे मेरे पास जगह ही नहीं है, और ये बताया भी आपने गलत है, बिल्कुल 50,500 माइनस 51,300 तो नेगेटिव आता है, ये आपका 800 नेगेटिव आएगा, अब इसमें कैश सही कैलकुलेशन ही गलत की हुई है, कौन सी वाली, ये वाली भी बताओ फिर, सही है बता दूं उसको, ये आता है 43,800 आता है, एक सेकंड, ओ अच्छा, ड्राइंग मैंने 15,000 लिखी, अगली भी गलत है, नहीं अगली सही सही होगी, वो मैंने पता नहीं, अगली सही है, अगली सही है, मुझे लिखवाओ यार दोबारा फिर, ये तो लिखवाओ ना कितनी आती है इसकी, जी बताएं, वो ड्राइंग लिखी 43,800 तो ये आएगा 6700 पॉजिटिव,
ये हो गया जी, ये कितनी अमाउंट आ रही थी बताएं जरा। वो नहीं निकालनी है, ये आ जाएगा 16,115 नेगेटिव आ जाएगी 16। कर लो बेटा जी, वो नहीं निकालनी। नेट कैश बैलेंस ओके सर 96,000 जी सर, ये सही है। आपने लिखना है, मैं वहां जा रहा हूँ सामने अब, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। इधर नेट कैश बैलेंस कितना आ रहा है? 6700। जुलाई का, अगस्त, सितंबर, इसमें करेंगे जी ऐड करेंगे कैश एट द स्टार्ट। वो 3500 है। 3500 तो आपका आएगा कैश एट द एंड। 10,200। ये जो कैश एट द एंड है ना, ये अगले साल का बनेगा कैश एट द स्टार्ट। और अब निकालें नेट कैश बैलेंस, फिर इसको ऐड करके आगे चलेंगे। कितना आता है कैश, नेट कैश बैलेंस जो आप निकाल रहे थे? 16,000 क्या कह रहे थे, कितना आता है? 16,115 अब आगे लेके जाएंगे, इसमें इसमें ऐड करेंगे 10,200। ये आ गया 16,115, 10,200 ऐड करें, 10,200 माइनस नहीं है, ऐड ऐड ऐड, वो माइनस में है ना, कौन सा ये माइनस में? 5,915 जी सर, पॉजिटिव। 13,760 इसका मतलब ये होगा जो पीछे से मैंने लिखा है। मैंने सर सही करवाया, वैल्यू सही आई है। ये गलत है, 7845 कह रहे हैं। ये आखिरी आंसर सर यही आता है। यहाँ तो सर लास्ट आंसर यही आता है सर। समझ गया हूँ मैंने, लेकिन यहाँ तो हाँ, यहाँ पे सर आएगा 5 फिर अगले का ओपनिंग बन जाता है, फिर अगले का ओपनिंग बन जाता है। ये हमने कैश बजट जो है ना अपना कम्प्लीट कर लिया, इसमें कोई मसला तो पूछे, मुझे समझ आ गई है। जी सर आ गई समझ सर। जैन, जैन भी इधर चला गए, जैन चला गया सर, चला गया जैन। वही मैं कह रहा हूँ ना यार, अच्छी बड़ी। चलो बस ठीक है, मैंने करवा दिए। अब हाँ जी, अब परसों इंशाल्लाह तला देखते हैं सवाल जो आपने कल, सॉरी कल ठीक सर, कल कितने बजे आना? कल का टाइम बताइए पहले, 3 बजे का टाइम ही है। हाँ अच्छा, अब आपने घर में क्वेश्चन कोई भी नहीं करना, मेरे सामने कीजिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।